नमस्कार दर्शक मित्रों, आप सभी का स्वागत है जनमत की पुकार में। कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति भय मुक्त, रोग मुक्त जीवन जीना चाहता है और अकाल मृत्यु के डर से खुद को दूर करना चाहता है तो उसे महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए। महामृत्युंजय मंत्र भगवान भोलेनाथ का सबसे प्रिय मंत्र है। इस मंत्र के जाप से मनुष्य की सभी बाधाएं और परेशानियां खत्म हो जाती है। आइए जानते हैं इस विषय पर विशेष रूप से आचार्य राजेंद्र त्रिवेदी शास्त्री के साथ। ओम सकल तत्व स्वरूपाय रुद्राय नमः। ओम होम ओम जूम सा ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनान् मृतोर्मुक्षीयमामृताता स्वाभवः भूसहजूम होम ओम। यह महामृत्युंजय अनुष्ठान है जो कि पांच प्रणव का है। मनसा वाचा कर्मणा, जो भी मन से वचन से कर्म से इसको करवाता है, इसका जो क्रम है पांच दिवसीय अथवा सात दिवसीय पंच ब्राह्मणों के द्वारा सपात लक्ष का क्रम है। व्यक्ति किसी भी स्थिति में बीमारी से ग्रसित हो, जूझ रहा हो, वह भगवान भोलेनाथ की कृपा से इस महामृत्युंजय के अनुष्ठान के प्रभाव से वह मुक्त हो जाता है और उसके रोगों का नाश हो जाता है, वह निरोग हो जाता है। महामृत्युंजय अनुष्ठान रोगियों के लिए एवं सर्व कामना सिद्धि के लिए, घर में सुख शांति वृद्धि लक्ष्मी इत्यादि के लिए प्रयोग किया जाता है। सभी अनुष्ठानों में भगवान शिव के महामृत्युंजय सर्वोपरि सर्वश्रेष्ठ है। अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम शिवम पादोदकंपित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। भगवान शिव को जो शिव शिव उच्चारण करता है अथवा महामृत्युंजय जैसे अनुष्ठानों को करता करवाता है, उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती है, ऐसा शास्त्रों का मत है। किसी भी प्रकार की समस्या के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय माँ पीताम्बरा, जय माँ वृंदवासिनी। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।